जैसे मन में विचार की वेग में सीता जी गर्काव हो गई और यहाँ हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का चरित्र का गायन किया कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रव अजिर बिहारी। पूरी रामायण का पाठ किया, सीता का हरण हुआ, पूरी कथा बानर का संग किया, तब तक की पूरी रामायण की कथा मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम गुण बरने लागे हनुमान जी महाराज, तो इतनी बड़ी विटंबना थी, उसका अपहरण हुआ था, राक्षसानी के बीच में थी, वो सब दुख चले गए। जैसे राम कथा सुनी सब विस्मृत हो गया, सब दुख भाग गए। दुख आपके मन का कब्जा कर ले, कई प्रकार से चैन न मिले, चारों ओर मन की अवस्था दुखमय हो जाए, तो दुख को मिटाने का अद्भुत रास्ता है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनी तो सब कुछ विसर गए, सब कुछ भगवती भूल गई। लागे सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुना। पूर्ण सीता हरण तक पूरी कथा सुना, कथा संपन्न हुई। हनुमान जी महाराज अशोक के वृक्ष के ऊपर कथा पूर्ण हुई, सीता जी ऐसे वैसे देख रही। अब सीता जी बोलती है, ए भाई श्रवण रूपी अमृत का जिसने पान करेगा, श्रवणा श्रवणामृत कथा अमृत और श्रवण अमृत, श्रवणामृत जेही कथा सुनाई कहीं सो प्रगट होते किन पाए। एक चरणामृत एक श्रवणामृत, भगवान के पाठ का पूजन करके जो उदक निकलता है चरणों तक, उसको कहते चरण का अमृत। और आप यहाँ ढाई घंटे तीन घंटे कानों में जो डालते हैं उसको कहते हैं श्रवणामृत। श्रवणामृत जेही कथा सुनाई कहीं सो प्रगट होते के नबा। ए भाई आपने मुझे जीवन दान दे दिया, ये श्रवण रूपी अमृत पाकर आपने मुझे बचा दिया, मगर आप कौन है, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हुए। जब दुख होता है तब अच्छी अच्छी बातें आती है, मगर वो अप्रकट होती है, या तो मन में आती है, भगवान किसी को भेज के आपको बोल देते हैं, मगर जब कोई बोलता है तब हमें विश्वास नहीं आता है कि ये करे या ना करे। हमको कोई आके बोलता है तो समझना कि प्रभु ने हमको ये आदेश दिया। दुख की दवा संत है, और संत के मुख से जो शब्द निकलता है उसका यथा योग्य अज्ञान गुरुनाम अविचारणी पालन करें। ए भाई आप प्रकट हुईये, लागे सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुना। पूरी कथा सुनाई तो माता जी ने कहा प्रकट हुई है। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब माहौल बन चुका है, जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे, राम की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक आपके सन्मुख हनुमान जी आएंगे नहीं। पूर्णतः आपके मन में तन में धन में और रग रग में जब राम का प्रवेश होगा, पूरी दुनिया में आपको राम दिखेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम
जोड़ी जुग पान। सीता जी पूर्ण राममय बन गई। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये मौका है, और अभी तो ये मां है, और मां के सामने बड़ा बन के भी नहीं जा सकते। तो छोटे रूप में हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और माता जी के सामने छोटा बंदर आके बैठ गया। तब हनुमंत निकट चल गए। निकट तो भगवती सीता घूम गई, फिर बैठी मन विस्मय भय। सीता ने सोचा ये रावण की कुछ करामत है, ये रावण मेरे साथ कुछ खेल कर रहा है, ये बादल कहां से आ गया, छोटा बंदर आ गया। और भगवती ने उसको देखा नहीं और फिर गई, फिर बैठी मन विस्मय भयो, विस्मित होकर भगवती ने अपना मुंह मोड़ लिया। तो हनुमान जी महाराज सोचने लगा, हे मां, जन्म जन्मांतर से तेरी भक्ति की, आज तेरे सामने आया और तूने मेरे सामने से मुख फेर लिया। मां मेरी क्या गलती हुई, मां मेरे सामने थे, राम दूत में मां तू जाने की, हे मां जगदम्बा तू मेरी मां है और मैं राम का दूत है, सत्य शपथ करुणा निधान, मैं प्रभु राम की करुणा निधान ऐसे राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मां मैं राम का दूत। और ये मुद्रिका स्वयं प्रभु राम ने मुझे दी, यह मुद्रिका मैं खुद लाया, मां तुम्हें आनी, मैंने फेंकी थी ऊपर से, दिन ही राम तुम कही सहना, माता जी तुम मुझे पहचान न पाएगी, वो प्रभु को पता होगा, इसलिए ये निशाने के तौर पर ओलख पहचान प्रभु राम ने मुझे दी। अब सीता ने कहा कि प्रभु राम तो मनुष्य रूप में है और आप तो वानर, नर वानर ही संग कहूं कैसे, आप वानर प्रभु राम मानव, आप दोनों का मिलन कैसे हुआ, कही कथा वही संगति जैसे। हनुमान जी और राम का मिलाप सुग्रीव वाली आदि की कथा का भगवती के सामने निरूपण हुआ। तुलसी आगे लिखते हैं, कवि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, तजन नयन पुल कावली बाढ़ी, बुधत विरह जल दी हनुमान, वै हुतात मोह कहु जल जाना, अब कहु कुशल बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करा, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेत दरीन चुराई, सहज बानी सेवक सुखदाता, कबहु कसुरति करत रघुनाय, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरगी श्याम मृदु गाता, वचन आव नयन परिवारी, अनाथ हो निपट विसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जिय कोन, तुमते प्रेम राम के दूना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल, जपत निरंतर शंभु।
आचार्य तुलसी कहते हैं कि कपि के प्रेम पूर्वक वचन सुनकर भगवती सीता को विश्वास हो। कई बार कोई व्यक्ति कितना भी सत्य क्यों नहीं बोलता है मगर हमारा उसके प्रति विश्वास प्रकट नहीं होता। यहां उनके वचन प्रेम युक्त थे तो उनको सुनकर भगवती को विश्वास प्रकट हुआ और मांग लिया कि मन क्रम वचन से ये प्रभु राम का दास है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर था। हरिजन भगवान राम का दास है तो दास जानकर भगवती को हनुमान जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ। सजल नयन पुलकावली बाड़ी, राम का दूत आया है, राम जी से कोई आया है ऐसा देखकर भगवती मां सीता की आंखों में से अश्रु की धारा, उस विरह अग्नि में अश्रु धारा में हनुमान जी महाराज जैसे बहने लगे। भयोताप मोह कहु चल चान, मैं विरह के समुद्र में डूब रही थी, हे हनुमान जी महाराज आप मेरे लिए वहाण बनकर नौका बनकर आए। भयोताप मोह कहु चल चान, विरह रूपी जल्दी बुढ़त विरह जल्दी हनुमान, विरह रूपी अघात समुद्र में मैं डूबने वाली थी बुढ़त, उसमें हनुमान जी महाराज आप आवे तो आपने मुझे ताल दिया। अब कहो कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरा। आप आए बहुत अच्छा किया प्रभु राम जी, अनुज लक्ष्मण को मेरा वंदन कहना। कोमल चित कृपाल भगवान राम इतने निष्ठुर क्यों होते, आपको भेजा स्वयं क्यों नहीं आए। सहज वाणी सेवक सुखदायक, अपने सेवक को सहजता से सुख देने वाले प्रभु राम कबहु के श्रुति करतर गुनाए। उनके क्षेम कुशल की प्रार्थना की, प्रभु कैसे हैं, और हे हनुमान जी महाराज मेरी आंखों से प्रभु राम का दर्शन मुझे कब होगा, कब हम नयन मम शीतलता था, मेरी आंख को शीतलता कब मिलेगी। ओई निरखी श्याम मृदु काटा, मृदु चेहरे को देखने का अवसर हे हनुमान जी महाराज कब मिलेगा। वज्र आव नयन बरे बारी, अह नाथ हो तक बिसारी, बोलने से ज्यादा अश्रु बह रहे। भगवती सीता दुखी है और दुखी सीता को देखकर बोला कपि मधु वचन विलीता, और कपि बोला वानर बोले मां तो कुशल प्रभु अनुज सहित, ए मां प्रभु की चिंता न करे प्रभु अनुज सहित कुशल मंगल है। तब दुखी सुख पाने, मां आप अकेली हैं इस बात का प्रभु को दुख है, उस बात से दुखी है वरना प्रभु को कोई कष्ट नहीं। जन जननी मानव जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, हे मां जगदम्बा तू जितना प्रेम कर रही है उससे दो गुना प्रेम प्रभु राम आपको कर रहे। प्रभु प्रेम कर रहे ऐसा सुनकर भगवती सीता को संतोष। आचार्य तुलसी ने रघुपति कर संदेश अब सुनि जननी धरती, अस कहि कपि गद गद भयउ भरे बिलोचनी, कहो राम भी योग तब सीता मोह कहु सकल भये विपरि, नव तर पितलय मनहु कुसानु काल निशा समति, कुबलय बिपिन कुंद बन सरिता बारिद तपत तिर जनु बरिता, तेहित रहे करत तेहि तीरा उरग स्वास्थ सब त्रिविध समी,
कहे उते कछ दुख गति होई काही कहो या ज्ञान न कोई तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानक प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाई जान प्रीति रस एक नहीं मानी प्रभु संदेश सुनत वैदे मगन प्रेम तन तुझ नहीं दे कह कपिल दय धीर जग माता तुम्हें राम सेवक सुख दाता पुरे आने रघुपति प्रभु ताई सुनि मम वचन तजो कदर मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुख कर मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर शंभु आचार्य तुलसी ने अद्भुत देखा। किसकिंता काटने